सो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल टेक स्ट्रेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गूगल ऐड में जो कैंपेन स्टार्ट करते हैं और कैंपेन में आपकी जितनी वीडियोस रहती हैं, आप उस कैंपेन को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में यही जानकारी देखने को मिलेगी। आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा, आप उसे फॉलो करके जो है अपने कैंपेन को डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी सिंपल होने वाला है, आप पूरा देखेंगे तो आप भी समझ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल टेक स्ट्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो अभी मैं देख सकता हूँ, मैं अभी मोबाइल के स्क्रीन पर हूँ, मैंने गूगल खोल रखा है। अभी भी इस पर मैं अपना गूगल ऐड ओपन करूँगा। नॉर्मली गूगल ऐड के अकाउंट सभी ओपन करते हैं, जैसे मैं सिंपल शुरू से बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं गूगल ऐड लिखूँगा, अपना गूगल ऐड्स आपको लिखना है, इसे आपको ओपन यहाँ कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली जो है ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, आपका जो गूगल ऐड अकाउंट आएगा यहाँ पर आपको साइन इन ऑप्शन में जाना पड़ता है। यहाँ से आप डेस्कटॉप साइड में कर सकते हैं, देख सकते हैं जी, डेस्कटॉप साइड में करने के बाद ये फुल स्क्रीन हो गया है। यहाँ पे साइन इन करना है आपको अपना अकाउंट खोलने के लिए। साइन इन में क्लिक करने के बाद आपको जो अकाउंट है गूगल ऐड में, वो अभी ओपन हो जाएगा। गूगल ऐड जो है फ्रेंड्स, काफ़ी स्लो काम करता है, आपका चाहे नेट जितना भी हाई स्पीड रहे, आपको कुछ समय लगेगा गूगल ऐड ओपन होने में। तो अभी आप देखते रहें जी। तो देख सकते हैं इस तरह से ये गूगल ऐड जो है मेरे मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो रहा है जी, ओपन हो चुका है फिलहाल। तो इस तरह से ये गूगल ऐड अकाउंट जो है आपका ओपन हो जाता है। अगर जो पहली बार आए होंगे तो उनको मैं बताना चाहूँगा, नॉर्मली गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। तो अभी सपोज आपको अपने कैंपेन को डिलीट करनी है, तो सिंपल सा आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह का पेज ओपन होने के बाद आपको देख सकते हैं साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस वाले साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए कैंपेन का ऑप्शन है ये वाला, ये जो है कैंपेन का, आप जो कैंपेन चलाते हैं, आप जो वीडियो प्रमोट करते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर सेव रहता है। आपको यहाँ से चेक करना पड़ता है कि क्या क्या आपने वीडियो अभी तक कैंपेन के लिए प्रमोट करने के लिए दिया है, क्या डेट है, क्या बजट है। यहाँ जस्ट मैं बता दूँ, सपोज़ मैंने अपने कैंपेन में दो वीडियो चलाया था, एक सैम्स ट्रिक्स और एक जो है दूसरा। तो एक मैं जो है कैंपेन डिलीट करके आपको बताऊँगा। यहाँ पर इस कैंपेन का, इस वीडियो का जो है पूरा स्टेटस दिया रहता है कि बजट स्टेटस वगैरह क्या है सपोज, ठीक है। तो अब बात रही, आपको मैं बताऊंगा कैसे डिलीट करते हैं वीडियो को या कैंपेन को। ये देखिए एक ये से कैंपेन हो गया, ये वाला एक मेरा दो है, ये एक है। तो यहाँ पर आपको एक टिक दिख रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक टिक में क्लिक करना है। क्लिक जैसे आप इस वीडियो को जो डिलीट करना चाहते हैं, जिसको भी इसमें आप बॉक्स में टिक करने के बाद ऊपर वाले ऑप्शन में आपको एडिट दिख रहा होगा, ये एडिट वाला ऑप्शन। तो इस एडिट में आप जो है क्लिक करेंगे जी गाइस। तो एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर डिलीट में क्लिक करने के बाद जी, इनेबल पॉज रिमूव, आपको डिलीट करना है तो आपको रिमूव सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद क्या है, परमानेंटली रिमूव वन कैंपेन, तो हाँ मुझे डिलीट हमेशा के लिए करना है। तो यहाँ कन्फर्म क्लिक कर दें, रिमूविंग योर कैंपेन। अभी कुछ देर बाद ये कैंपेन हट जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोड ले रहा है जी। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मैंने यहाँ से, मेरा दो वीडियो था तो एक वीडियो को मैंने डिलीट करके यहाँ से लिस्ट से रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी मेरे एक कैंपेन है और जो दूसरा कैंपेन था उसको मैंने डिलीट कर दिया लिस्ट से। तो आप जो है इससे इस तरह से जो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आती है कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।